गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और सभी नए जो बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज हम प्लस वन की थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। आज हम सभी को केमिस्ट्री की बात की ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि यूनिट नंबर वन है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही आसान लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, और आप इनसे पढ़कर अपनी जो पढ़ाई है ऑनलाइन वो घर पे कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और इनके नोट्स आप बना लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, और टाइम टू टाइम मैं आपके जो नोट्स है व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी प्लस वन की। टोटल हमारी जो यूनिट्स हैं वो 14 यूनिट्स हैं हमारे प्लस वन के अंदर। तो अब क्या आता है लेक्चर्स के हिसाब से, क्या कोविड के कारण कितने लेक्चर यूनिट्स कटते हैं या वो सब बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो मैं टोटल बेसिक यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, तो टोटल हमारी यूनिट्स 14 हैं केमिस्ट्री के अंदर। और हम आज बात करेंगे पहली नंबर यूनिट की। और सबसे पहला जो आर्टिकल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। आप स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैं आपको समझाऊँगा। सिग्निफिकेंट फिगर बेटा क्या होता है, इसमें ज़ीरो की सिग्निफिकेंस की बात की गई है, ज़ीरो की। तो जैसे नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 302 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स हैं हमारे। अब इन नंबर्स की सबकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अब यहाँ पर जो बात की जाएगी वो सिर्फ ज़ीरो की सिग्निफिकेंस की बात की जाएगी, कि ज़ीरो की सिग्निफिकेंस कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती। अब देखो बेटा, सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी जो डिजिट्स हैं ज़ीरो को छोड़कर उनकी सबकी सिग्निफिकेंस होती है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालो, जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल, आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं 3.132। तो इसमें टोटल जो डिजिट्स हैं कितने हैं, 3, 1 है, उसके बाद 1, फिर 3, फिर 2। तो टोटल डिजिट्स इसमें बेटा कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, 3.2316। तो इसमें टोटल डिजिट्स कितने होंगे प्यारे बच्चों, 5 होंगे। अब हम ज़ीरो की सिग्निफिकेंस बात करेंगे। अगर ये नंबरों के बीच में इंसर्ट किया जाता है, दो नंबरों के बीच में ज़ीरो लगाई जाती है, तो इसकी सिग्निफिकेंस होती है। जैसे हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं 6.023, तो ये टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 4 हो गए बेटा। अगले में देखेंगे 3.0023, तो दो बार ज़ीरो लिया गया, तो दोनों की सिग्निफिकेंस होगी, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई, 5। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की, ज़ीरो अगर इफ़ द ज़ीरो एट द बिगनिंग ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर ज़ीरो को नंबरों से पहले लगाया जाए तो इसकी कोई महत्व नहीं होता। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व नहीं होता। जैसे मैंने लगाया 0.324, तो डिजिट गिनने पर तो 4 आ रहे हैं लेकिन ज़ीरो की सिग्निफिकेंस नहीं आया है, तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब अगले वाले एग्जांपल को देखें आप, 0.0003, तो इसमें टोटल डिजिट तो 5 है लेकिन 3 ज़ीरो जो लगे हैं वो शुरू में लगे हैं, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिर्फ 3 की सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया बेटा, 1 आया। अब हम रूल नंबर 4 की बात करेंगे। रूल नंबर 4 है, ऑल द ज़ीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो को नंबरों के राइट हैंड साइड पे लगाया जाए, मतलब नंबरों के एंड्स पे लगाया जाए, तो उसकी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं पहला नंबर एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर क्या है, 243.000। तो इसमें टोटल डिजिट कितने होंगे, 6, लेकिन ज़ीरो कहाँ लगे हैं, बैक साइड पे लगे हैं, बैक साइड मतलब राइट हैंड साइड पे, जिसकी सिग्निफिकेंस हुई। अब इसके बाद अगला जो एग्जांपल मैंने लिखा है 243.00, तो इसकी सिग्निफिकेंस कितनी होगी, 5। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट करें, 3.0330। इसकी आप अपने आप सिग्निफिकेंट फिगर निकालें और जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें इसका आंसर लिख दें, तो ये आपके लिए मुझे पता लग जाएगा कि आपको टॉपिक समझ आया या नहीं। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिया था, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये आपने
इसके भी एग्ज़ाम आंसर्स को आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। प्यारे बच्चों सुन रहे हैं आप, तो ये कमेंट बॉक्स में आपने लिखने हैं। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है मेरा प्यारे बच्चों, क्या है ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैटर। मैटर क्या है, मैटर किसे बोलते हैं। तो दुनिया में कोई भी वस्तु जिसका जो जिसका भार हो और वो कोई स्थान घेरता हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। इंग्लिश में से हम कैसे बोलेंगे, एनीथिंग दैट हैज़ मास, कोई भी वस्तु जिसका मास हो एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, जो स्थान घेरता हो, इज कॉल्ड एज ए मैटर। तो आप सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस जिसका भार हो और स्पेस घेरता हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, मैटर। अब इसके एग्जांपल क्या है, टेबल है, कुर्सी है, जैसे हम क्लास में हम टेबल पे बैठते हैं, डेस्क है, ड्यूल डेस्क, टीचर टेबल कुर्सी पे बैठता है, चेयर पे टेबल पे रखता है, बोर्ड हो गया, क्यूब ऑफ शुगर, आयरन रॉड, वाटर, ये सब क्या है, मैटर। अब हम बात करेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन। अगला आर्टिकल आप नोट करेंगे कॉपी के ऊपर क्या है बेटा, मैं लिख भी देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आप देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है, मैंने मैटर को दो हिस्सों में बांटा है, किस किस हिस्से में, फिजिकल क्लासिफिकेशन है और केमिकल। अब ये फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। फिजिकल मतलब होता है भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब केमिकल गुणों के आधार पर, जैसे कि हमारा एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, और हमारा क्या हो गया भाई प्यारे बच्चों, गैस हो गया, सॉरी मिक्सचर हो गया। अब हम इसकी सबसे पहले, अब आप नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, नोट्स बनाएंगे प्यारे बच्चों, डिस्कस द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इट कैन बी इजीली क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की क्या है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है सॉलिड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये सॉलिड दिख रहा है आपको, उसके बाद आप स्क्रीन के ऊपर लिक्विड देख पा रहे हैं और नीचे आप देख पा रहे हैं गैस। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये हमने तीनों के बारे में अब पढ़ना है। तो हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सॉलिड क्या होता है। ए सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड प्रोसेस डेफिनेट वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड एड सॉलिड। वुड, टेबल, कॉपर रॉड, ये इसके उदाहरण हैं। लिक्विड, ए लिक्विड हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और आकार नहीं होता, शेप मतलब आकार, और वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तरल। तरल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें जो है हमारी क्या है, हमारी लिक्विड के एग्जांपल्स है। अब हम बात करते हैं गैस की, गैस गैस नाइदर पोजेस ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर पोजेस ए डेफिनेट शेप, जिसका ना तो आकार होता है ना ही उसका वॉल्यूम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, जैसे एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, स्टार्टिंग किए और ऐसे ही हम आगे आगे पढ़ेंगे। अगला स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चन देख ही पा रहे हैं, डिस्कस द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपने मुझे बताना है कि प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा लेक्चर, आपने मेरे साथ डिस्कस करना है कि आपको किस तरीके से लगा, और कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आपने आंसर्स जो मैंने पूछे वो बताने हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आपने दोबारा मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लेना है, ठीक है। और वैसे भी डाउट सेक्शन जो है लाइव लिया जाएगा तब टीचमेंट के थ्रू, तो उसमें भी आपके साथ शेयर किया जा सकती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ, और होप आप टुडेज लेक्चर यहीं पर ही क्लोज़ किया जा रहा है, और अभी देखेंगे कि कल ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। चैनल का लिंक जो है मैं शेयर कर रहा हूँ अपने उसमें,
तो आप चैनल को डायरेक्ट आप वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द चैनल।